तो अगर आप लोग भी काफ़ी दिनों से दोस्तों रील्स को डाउनलोड वगैरह करना चाहते हो लेकिन सब कर नहीं पा रहे वहाँ पर दोस्तों, यार इंस्टाग्राम के ऑफिशियल एप्लीकेशन में रील्स डाउनलोड करने का कोई भी सिस्टम नहीं है। वहाँ पर आप जो अपने रील्स को सेव कर सकते हो, फिर स्टोरी पर डाल के जैसे जाओगे डालने के लिए वहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम दोस्तों ये आ रही है कि वहाँ पर जो म्यूज़िक वगैरह नहीं सुनाई पड़ता है, जैसे म्यूज़िक रहता है कभी कभार वहाँ पर म्यूट रहता है और किसी किसी वीडियो का म्यूज़िक सुनाई वगैरह पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, अगर आपने वीडियो पूरा एंड तक देखा तो यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम रील्स को कोई सी भी रील्स हो आप इमीडिएटली अपने गैलरी के अंदर सेव वगैरह कर सकते हो, फिर मतलब उसको कहीं भी पोस्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो, फेसबुक पर डाल सकते हो। अगर आपको रील्स अच्छी लग रही है आप सेव करना चाहते हो सेव वगैरह भी कर सकते हो अपने सीधा गैलरी के अंदर। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आज का वीडियो शुरू कर। दोस्तों मेरा नाम है ऋषि और आप बिगर क्रिएटर। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा, आप तीनों तरीके से फॉलो वगैरह करके जो अपनी रील्स को डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहला तरीका। देखिए दोस्तों पहला तरीका तो बहुत सिंपल दोस्तों, अगर आपको इंस्टाग्राम का एक और भाई पता है, भाई मतलब दोस्तों इंस्टाग्राम का एक और भाई है जहाँ पे इसका बोलते हैं मोड वर्जन, जो यहाँ पे हमारा इनका नाम है दोस्तों इंस्टाग्राम प्रो, ये आपको डाउनलोड कर लेना दोस्तों। ये वर्जन आपको मिलेगा गूगल पे मिल जाएगा, जैसे वहाँ पर डालोगे इंस्टाग्राम प्रो मोड वर्जन तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट हमें देखने को जाते हैं, मतलब यहाँ पर जितने भी जो फीचर्स वगैरह सब अलग अलग एडवांस लेवल के फीचर्स हैं। यहाँ पर आप कौन आपको फॉलो कर रहा है, कौन आपको अनफॉलो वगैरह कर रहा है, आप किसी की वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हो और टाइपिंग को हाइड कर सकते हो, यहाँ पर आप चैट का वॉलपेपर लगा सकते हो और बहुत सारे फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं रील्स को डाउनलोड करने के, जैसे एग्जांपल दोस्तों मैं आली रील्स को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डाउनलोड का बटन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर लिखा डाउनलोड दिस मीडिया फाइल, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लिखा रहा डाउनलोड स्टार्ट। तो एक सिंपल तरीके से आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर दूसरा तरीका दोस्तों ये है, इसी के अंदर दोस्तों यहाँ पर आप जैसे कि रील्स प्ले वगैरह कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों आपको तीन डॉट मिलेंगे, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सबसे पहले डाउनलोड करके ऑप्शन आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको वही ऑप्शन आएगा डाउनलोड दिस मीडिया फाइल, आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो मीडिया फाइल डाउनलोड वगैरह हो जाएगी। मैं आपको जो गैलरी ओपन करके दिखा लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमने दो बार जो डाउनलोड वगैरह करा है, देखिए एक बार तो हमारे पास आ चुका है, दूसरी बार जो डाउनलोड चल रही है दोस्तों क्योंकि थोड़ा नेट का इशू है तो स्लो डाउनलोड वगैरह होती है। देखिए एक बार जो हमने डाउनलोड करी हमारे सीधा गैलरी के अंदर आ चुकी है और हमारे देखिए ये वीडियो जो है बिल्कुल HD में, जो वीडियो की क्वालिटी रहेगी सेम टू सेम दोस्तों क्वालिटी आपको अपनी गैलरी के अंदर देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि भाई कम ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो सेम टू सेम आपको वीडियो की क्वालिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों हमारी दूसरी वीडियो भी शायद डाउनलोड हो रही है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा डाउनलोड कंप्लीट है ना, तो हो रही है बैकग्राउंड में डाउनलोड वगैरह। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपने एक पहले तरीके से दोस्तों वीडियो डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। दोस्तों दूसरा तरीका दोस्तों बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है दोस्तों तीन डॉट पे क्लिक करना और दोस्तों इसकी लिंक आपको कॉपी वगैरह कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने लिंक कॉपी वगैरह कर ली दोस्तों। अब आपको क्या करना है गूगल क्रोम ओपन करना, क्रोम नहीं आप किसी ब्राउजर में ओपन कर वगैरह कर सकते हो। तो जनरली मैं गूगल क्रोम ओपन वगैरह करता हूँ तो आपको कोई सा ब्राउजर ओपन वगैरह कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है रील्स डाउनलोडर। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ रील्स डाउनलोड जैसे मैं सर्च यहाँ पर लिखूँ दोस्तों यहाँ पर आपको क्या बहुत सारी फ्री अपडेट वगैरह मिल जाएगी जो कि बिना लॉगिन करे आपकी वीडियोस को डाउनलोड कर आपकी गैलरी के अंदर करते हैं। यहाँ पर लिखा पर सिंपली मैं उस लिंक को पेस्ट वगैरह कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर पेस्ट वगैरह करूँगा डाउनलोड बटन पर मुझे क्लिक कर देना है। जैसे मैं डाउनलोड बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो मेरी रील्स रहेगी थोड़ा सा लोडिंग वगैरह होगा, मेरी रील्स जो मेरी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। उससे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो वीडियो थी वो किसने अपलोड वगैरह करी। यहाँ पर देखिए दोस्तों आई एम निकिता कुमावत ने जो अपलोड वगैरह करती है, यहाँ पर आईडी का नाम आ चुका और उसके व्यूज़ भी आ चुका है, यहाँ पर कमेंट वगैरह भी सकते हैं। यहाँ पर लिखा डाउनलोड MP4, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करो दोस्तों यहाँ पर आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी, देखिए लिखा डाउनलोड फाइल्स, यहाँ पर सिंपली डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो जो है हमारी गैलरी के अंदर इजिली सेव तरीके से हो जाएगी। देखिए फिलहाल मेरा नेट का बहुत स्लो चल रहा है, नेट प्रॉब्लम आ रहा है ना, यहाँ पर देखिए डाउनलोड हमारा जो होने लग गया। दोस्तों तीसरा तरीका बहुत ही सिंपल है, लेकिन दोस्तों मैं गारंटी कहता हूँ उसको फॉलो वगैरह मत करना, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। यहाँ पर देखिए आपको तीसरा तरीका क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोडर ऐप कर लेना, यहाँ पर बहुत सारे आपको एप्लीकेशन वगैरह से मिल जाते हैं। डाउनलोड करने का दोस्तों यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये आएगी, यहाँ पर आपको अपना आईडी लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा और भाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर अपनी आईडी लॉगिन वगैरह मत करना, क्योंकि दोस्तों जनरली क्या होता है आप कहीं भी थर्ड पार्टी पे ऐप पे अपनी आईडी लॉगिन वगैरह करोगे तो आपका अकाउंट जो सस्पेंड वगैरह हो सकता है, डिसेबल वगैरह हो सकता है। तो भाई आईडी लॉगिन वगैरह नहीं करो तो बेटर आप सिंपली इंस्टाग्राम प्रो को डाउनलोड कर लो एक बार। प्रो में आपकी आईडी जो रहेगी NTBAN रहती है, NTBAN मतलब कि यहाँ पर आपकी आईडी कभी भी जो है बैन वगैरह नहीं हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप डाउनलोड वगैरह ना करें। डाउनलोड कर रहे हो तो वहाँ पर अपनी आईडी कभी भी प्राइवेट अकाउंट को लॉगिन वगैरह ना करें, आपका जो पर्सनल अकाउंट है उसको लॉगिन वगैरह ना करें, वहाँ पर आपका जो अकाउंट सस्पेंड वगैरह हो सकता है या फिर बैन वगैरह भी हो सकता है इंस्टाग्राम तरफ से। आप सिंपली जो है लिंक वगैरह कॉपी करके गूगल पर सर्च वगैरह करके वहाँ से डाउनलोड वगैरह इजिली कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद दोस्तों, वीडियो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले, जय वंदे मातरम।